Hey guys, how are you all? This is Deepak from Chemical Gyan YouTube channel. So this is the fifth lecture of Modern Periodic Table, and in this video we are going to talk about ionization enthalpy. So what is ionization enthalpy? ये सीखेंगे. फिर हम लोग factors affecting ionization enthalpy सीखेंगे. फिर ionization enthalpy के trends के बारे में पढ़ेंगे कि period में क्या variation होते हैं, along the group क्या variation होते हैं. Then उसके बाद at the end we will solve the question related to ionization enthalpy. तो question solve करने से क्या होगा, आपका concept clear हो जाएगा, इसलिए video को last तक जरूर देखना. So start करते हैं ionization enthalpy. देखो मैं पहले आपको समझाता हूँ, then हम लोग उसका definition create करेंगे. जैसे कि एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है. आइसोलेटेड गैसियस एटम का मतलब क्या, अकेला गैसियस एटम है. एग्जांपल ले लेता हूं, मैं सोडियम का ले लेता हूं. किसका ले लेता हूं, सोडियम का. तो सोडियम का ये एटम है, न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट शेल होगा, सेकंड शेल होगा, ये थर्ड शेल होगा. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये आप सभी को पता है. ये गैसियस स्टेट में होना चाहिए. किसमें, गैसियस स्टेट में होना चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे, सोडियम को लेके इसको हीट करके क्या कर देंगे, सब्लिमेशन कर देंगे. सब्लिमेशन की वजह से वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा. अब ये अकेला है, कैसा है, अकेला, किसी के साथ कंबाइंड स्टेट में नहीं, अकेला है. अकेले को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड. क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम है. ये क्या है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, अकेला गैसियस स्टेट में एटम है. अब मैं क्या चाहता हूं, सोडियम रिएक्ट करे. जब रिएक्ट करेगा तो भाई इलेक्ट्रॉन का लेना देना होगा जरूर. तो सोडियम आप सभी को पता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है. तो मुझे क्या चाहिए कि सोडियम का ये इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं. क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है. मुझे क्या करना है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना है. तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देना पड़ेगा. क्या देना पड़ेगा, एनर्जी. क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा. तो किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको एनर्जी देना होता है, और इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ये बात क्लियर हो गया. इसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, विच इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा आई एच, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी. क्लियर हो गया आप सभी को. तो इसका डेफिनेशन हम लोग क्या बोलेंगे, डेफिनेशन में लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखो, आप लोग भी लिखना क्योंकि आपके कॉलेज के एग्जाम में डेफिनेशन पूछा जाता है. तो डेफिनेशन क्या है, देखो, एनर्जी या तो एंथैल्पी, एनर्जी को एंथैल्पी भी बोलते हैं. एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट, इन ग्राउंड स्टेट. सो ये डेफिनेशन है कि नहीं, आइसोलेटेड गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी. सो वही डेफिनेशन बन गया, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, जो एनर्जी आप दे रहे हो, किसी को घर से निकालने के लिए एनर्जी देना पड़ता है ना भाई, चलो भाई निकल, तो वैसे इसी इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालना है तो एनर्जी देना पड़ेगा. इस एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इन शॉर्ट, गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी आप लगा रहे हो, उसको आप क्या बोलोगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ये क्लियर हो गया, विच इज रिप्रेजेंटेड एज डेल्टा आई एच. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब इसका देखो यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट है भाई, एनर्जी का यूनिट है. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल. क्लियर हो गया आपको. तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. इधर आप ये भी लिख सकते हो, इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी. और इसका यूनिट क्या होता है, किलो जूल पर मोल. इसका मतलब क्या हुआ, किलो जूल का मतलब क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी का यूनिट है. किलो जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है. पर मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल एटम है आपके पास, कितने मोल एटम है, एक मोल. एक मोल एटम में कितने एटम आ जाएंगे आप बताओ, वन मोल एटम का मतलब क्या होता है, इतना मतलब बता दो. चलो वन मोल एटम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 6.023 × 10⁻²³ एटम. जैसे कोई भी आपसे पूछेगा, आपने मोल कॉन्सेप्ट में सीखा भी होगा, जैसे किसी ने पूछा वन डजन का मतलब क्या होता है, 12 पीस. तो वैसे ही वन मोल का मतलब होता है 6.023 × 10⁻²³ एटम.
सो वन मोल एटम में, वन मोल एटम का मतलब क्या होता है, 6.023 × 10^23 एटम। तो इतने सारे एटम में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, मतलब ऐसे बहुत सारे एटम हो गए, ऐसे 6.23 × 10^23 इलेक्ट्रॉन हो गए, इन सभी में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आयनेशन एंथैल्पी, मतलब दैट इज का यूनिट क्या होगा, किलो जूल। एनर्जी आप लगा रहे हो इसलिए किलो जूल पर मोल, क्या होगा, किलो जूल पर मोल। बात समझ गया, जैसे कि समझ जाओ सोडियम का एक आपको वैल्यू दे रहा हूं, सोडियम का है जो एंथैल्पी 193 किलो जूल पर मोल, 193 किलो जूल पर मोल, ये सोडियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू है, ये जस्ट मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, समझ रहे हो, 193 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है, सोडियम के एक मोल एटम में से आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी देना होगा, 193 किलो जूल। एक मोल एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितना एनर्जी देना होगा, 193 किलो जूल। तो दिस इज द यूनिट ऑफ आयनेशन एंथैल्पी एंड दिस इज द डेफिनेशन। तो डेफिनेशन प्रॉपरली लिख लो आप लोग, क्लियर हो गया कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इसको आप लोग नोट कर लो। सो गाइस लेट्स प्रोसीड द डिस्कशन। तो देखो हम लोग आयोनेशन एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने डेफिनेशन क्या देखा था, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, किसी गैसियस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी आप देते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो जैसे कि एक एटम है ए, इसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन, तो क्या बना, A प्लस और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ। तो इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन थे कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन थे, कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो, मान लो कितने इलेक्ट्रॉन थे, दो इलेक्ट्रॉन थे। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए मैंने कुछ एनर्जी दिया होगा ना, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी मैं मान रहा हूं डेल्टा आई एच वन, क्या मान रहा हूं, डेल्टा आई एच वन। फिर इस ए प्लस में देखो ए प्लस बन गया, ये क्या बन गया, ए प्लस बन गया। अब उसके पास पहले दो इलेक्ट्रॉन थे, अब कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, एक इलेक्ट्रॉन। अब इसमें से भी मैं इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, ये जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है उसको भी निकालूंगा। देखो हम लोग है ना एक टाइम पे एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, तो पहले इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, पहले इसके पास दो इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे, दो, दो इलेक्ट्रॉन में से उसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो निकालने के लिए कुछ एनर्जी दिया, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी वन। फिर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्लस वन आया, बात समझ लो। अब बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी आपको एनर्जी देना होगा, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी टू। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो प्लस वन, तो अभी इसके पास कितना था, प्लस वन था, पहले से प्लस वन था, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस टू, इधर इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इधर क्या आएगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड। तो दिस इज फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड दिस इज सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड दिस इज सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप बताओ मुझे कि कौन सा वैल्यू ज्यादा होगा, सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा, खुद जरा सोचो। मेरे हिसाब से तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दैट इज डेल्टा आई एच टू। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी ग्रेटर देन डेल्टा आई एच वन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब खुद सोचो, देखो ये न्यूक्लियस था, इधर क्या बीच में न्यूक्लियस है, पहले दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों पे वो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा था, यानी जेड इफेक्टिव लग रहा था, न्यूक्लियस का काम ही होता ना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को खींचना, तो वो खींच रहा था। पहले देखो समझ जाओ 100 की पावर थी, न्यूक्लियस के पास कितनी पावर थी, 100 की पावर थी, तो 50 के पावर से इसको खींच रहा था, 50 के पावर से इसको खींच रहा था। एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, न्यूक्लियस के पास 100 पावर था, 100 में से 50 पावर से एक इलेक्ट्रॉन को, 50 पावर से दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींचा था। फिर आपने क्या किया, आपने क्या किया, इसमें एनर्जी दिया और पहले इलेक्ट्रॉन को निकाल के भाग गए, तो पहला इलेक्ट्रॉन चले गया, तो आपने कुछ एनर्जी दिया, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, क्लियर हो गया। अब देखो न्यूक्लियस तो उतना ही पावरफुल है, न्यूक्लियस में कुछ चेंज किए क्या, नहीं। अब न्यूक्लियस अभी भी उसके पास 100 पावर था, पूरा का पूरा 100 पावर किसको दे रहा है, इसी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, पहले दोनों को 50-50 था, तो आप इसको निकाल के चले गए, अब इसी को पूरा 100 की पावर से खींच रहा है, मतलब पूरा ताकत लगा के उसको पकड़ के रखा है, तो क्या इसको निकालना इजी होगा, नहीं। बात समझ गए, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया ना, तो इसको निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आपके पास थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगा तो आप बोल सकते हो, देयरफॉर वी कैन से दैट
थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी विल बी ग्रेटर, क्योंकि समझ लो तीन इलेक्ट्रॉन लेते तो इसके ऊपर 33, इसके ऊपर 33, उसके ऊपर भी 33 होता। फिर कितना बचता, एक निकालते तो कितना बचता, दो, दोनों के ऊपर 50-50, फिर एक निकालते तो बचता कितना, तीन। एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर 100 का पावर लगता, कितने का पावर लगता, 100 का पावर लगता। इस तरीके से आप जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे और उसमें और इलेक्ट्रॉन निकालने का ट्राई करोगे तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, डेल्टा ये H2 एंड डेल्टा आई H1। तो मुझे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सोडियम एंड सोडियम प्लस, इन दोनों में से किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, मतलब किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना होगा। बात समझ गए, किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देना होगा। इधर एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसा वैल्यू होता है, एक पॉजिटिव वैल्यू होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हो, एनर्जी रिलीज होता है तो नेगेटिव, एनर्जी दे रहे हो तो पॉजिटिव, क्योंकि इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी दे रहे हैं, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होता है। क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू। तो मैं आपसे अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, सोडियम और Na+ में किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, आप बताओ। देखो सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालने, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11। ये मैं Na की बात करो, 281 प्रोटॉन भी कितने होते हैं, 11 होते, समझ रहे हो, सब पे एक एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, एक एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा था, सब पे एक एक का पावर लग रहा था। तो आपने फिर क्या किया, कुछ डाल दिया, कुछ एनर्जी लगाया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो क्या बन गया, Na+ बन गया। क्या बन गया, Na+। Na+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2.8, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो हो गया, क्योंकि जिसके भी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया मतलब वो स्टेबल हो जाता है। तो आप मुझे बताओ, क्या इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, क्या नहीं, वो नहीं देगा, बोलेगा भाई मैं स्टेबल हूं, मेरा ऑक्टेट देखो पूरा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो इधर क्या लगेगा, देखो ये पहले Na था तो आपको फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी लगा, इधर Na+ है मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जा रहे हो, डेट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2। क्या इजीली निकाल लोगे, आप कितना भी एनर्जी दो दूसरा नहीं निकाल पाओगे, मतलब आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा, इधर आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा, क्योंकि आप इसके ऑक्टेट को तोड़ के इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप बोल सकते हो इधर कौन सा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, सेकंड वाला। आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब एनर्जी देना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, मतलब इधर आपको ज्यादा एनर्जी देना होगा, इधर कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसलिए मैं बोल सकता हूं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। क्लियर हो गया, ये चीज हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर। जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा ना एटम के ऊपर, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होता जाएगा। क्लियर हो गया, इधर मैंने आपको न्यूमेरिकल वैल्यू में समझाया, 50-50 की पावर से, इधर सिर्फ 100 की पावर से खींच रहा था। इज दिस क्लियर विथ यू ऑल, तो इसको प्रॉपरली नोट करो। अभी हम लोग बहुत सारे चीज डिस्कस करने वाले, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में। सो गाइस लेट डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सो सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। सबसे पहला फैक्टर क्या है, न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव, टोटल न्यूक्लियर चार्ज, जेड इफेक्टिव। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, जैसे कि एक एटम का न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मतलब वो अपने आउटर इलेक्ट्रॉन को एकदम स्ट्रांगली पकड़ के रखा है, तो जब उसने स्ट्रांगली पकड़ के रखा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी भी तो ज्यादा सप्लाई करना होगा, और जो एनर्जी सप्लाई करते हो वही तो होता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आप बात समझ रहे हो, तो न्यूक्लियस ने टाइट पकड़ के रखा है तो इसको न्यूक्लियस के चंगुल से छुड़ाने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब अगर न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, न्यूक्लियर जितना जोर से पकड़ा है आउटर इलेक्ट्रॉन को, उतना ही ज्यादा आपको आयोनाइजेशन एंथैल्पी देना पड़ रहा है। बात समझ रहे हो, उतना ही ज्यादा आपको एनर्जी देना पड़ रहा है। ये बात क्लियर हो गया आपको, तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा। क्लियर हो गया। सेकेंड फैक्टर इज साइज,
तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। ध्यान से देखो, कौन सा इलेक्ट्रॉन इजीली निकाल लोगे? ये वाला इजीली निकाल लोगे, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस का दूरी बहुत ज्यादा है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन, जो न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव है वो क्या है, कम है, जबकि इसमें जेड इफेक्टिव क्या है, ज्यादा है। समझ रहे हो? तो जेड इफेक्टिव ज्यादा हो गया तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी ज्यादा हो गया, मतलब साइज छोटा हो गया। साइज छोटा है तो न्यूक्लियस के पास में है, तो साइज छोटा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा। उसको निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा, लेकिन इसको थोड़ा सा एनर्जी दोगे फटाक से निकल जाएगा। बात समझ गया? क्योंकि न्यूक्लियस से दूरी ज्यादा, मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है, तो इजीली निकल जाएगा। अब थर्ड फैक्टर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। थर्ड फैक्टर इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था एटॉमिक रेडियस वाले लेक्चर में। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, किसी एटम में, जैसे कि एटम है, एटम के इनर इलेक्ट्रॉन क्या बन जाते हैं, स्क्रीन का काम करते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। इनर इलेक्ट्रॉन वर्क्स एज स्क्रीन, ये क्या बन जाते हैं, स्क्रीन बन जाते हैं, स्क्रीन या शील्ड भी जिसको आप बोल सकते हो। तो अगर इनर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, कम होगा कि नहीं, इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो अट्रैक्शन है वो कम होगा कि नहीं, कम हो जाएगा। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जेड इफेक्टिव कम हुआ। अगर देखो न्यूक्लियर चार्ज कम हुआ तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। सो वी कैन से दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्लियर हो गया? सो दीज आर द फैक्टर अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट में अगर किसी पर्टिकुलर शेल के लिए, जैसे कि मैं इस सेल की बात करूं, इस सेल में देखो एस इलेक्ट्रॉन भी है, पी इलेक्ट्रॉन भी है, डी इलेक्ट्रॉन भी है, एफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो सबसे स्ट्रांगली स्क्रीन किसका होगा, तो एस इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे स्ट्रांग स्क्रीन बनाता है। मतलब एस इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, फिर पी इलेक्ट्रॉन का, फिर डी इलेक्ट्रॉन का, फिर एफ इलेक्ट्रॉन का। फॉर अ पर्टिकुलर शेल, किसी एक शेल में अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसमें एस इलेक्ट्रॉन भी है, पी इलेक्ट्रॉन भी है, डी इलेक्ट्रॉन भी, एफ इलेक्ट्रॉन भी है। एस इलेक्ट्रॉन मतलब एस ऑर्बिटल में, पी इलेक्ट्रॉन मतलब पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, डी इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट हो गए, डी ऑर्बिटल में, और एफ इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट हो गए, एफ ऑर्बिटल में। तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग किसका होता है, एस इलेक्ट्रॉन का, फिर सबसे कम किसका होता है, एफ इलेक्ट्रॉन का। इन शॉर्ट, अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा तो आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, कम होगा, क्योंकि स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ गया, मजबूत स्क्रीन है, तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन था वो कम हो गया, जेड इफेक्टिव कम, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन शॉर्ट, ये बढ़ा तो ये कम हो जाएगा। Is this clear to all of you? So these are the factors affecting screening effect. ये बात आपको clear हो गया तो इसको properly note करो. Now we are going to discuss about the trends in ionization enthalpy. So guys, let's discuss the trends in ionization enthalpy. तो सबसे पहला मैं बात करूंगा down the group. Group की बात करूंगा कि group में ionization enthalpy में कैसे variation आते हैं. So जैसे कि मैंने down the group लिख दिया, जैसे कि मैंने लिख दिया lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium. फ्रेंशियम को मारो गोली, वो रेडियो है, रेडियोएक्टिव है, चलो ठीक है। सो डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो आपको मालूम है, डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज बढ़ता जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, याद आ रहा है, नंबर ऑफ शेल क्या होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं। तो अगर मैं डाउन द ग्रुप आ रहा हूं, डाउन द ग्रुप, तो नंबर ऑफ शेल क्या हो रहे, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है मतलब इसका एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो रहा है ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आउटर, क्योंकि कभी भी पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही निकालोगे ना कि तुरंत अंदर पहुंच जाओगे, पहले तो आउटर इलेक्ट्रॉन ही निकालोगे। तो जिसके वजह से जेड इफेक्टिव क्या होता है, कम होता है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, कम होता है। जब न्यूक्लियस का चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को हम इजीली निकाल देंगे, मतलब हमको ज्यादा एनर्जी नहीं देना पड़ेगा, इसलिए डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, कम होता है। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी विल डिक्रीज। तो आप, मैं बोल सकते हैं, जैसे कि इधर मैंने
ग्राफ बना दिया, ये आयोनेशन एंथैल्पी है इन किलो जूल पर मोल, और इधर मैंने एलिमेंट ले लिया लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? लिथियम, फिर किसका होगा? देखो ऐसा कुछ होगा, इधर ये लिथियम का, इधर ये सोडियम का, इधर ये पोटेशियम का, इधर ये रुबिडियम का। देखो कैसे गिर रहा है ना आयोनेशन एंथैल्पी, क्लियर हो गया आपको ये बात? तो डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, ये हमेशा याद रखना है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव वो कम होता है, और अट्रैक्शन कम होगा तो आप इसको इजिली निकाल जाओगे, मतलब थोड़ा सा ही एनर्जी देना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। थोड़ा सा एनर्जी का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे। क्लियर हो गया ये बात? चलो अब मेन चीज आते हैं पीरियड में। पीरियड में कैसा वेरिएशन होता है? सो पीरियड में आप कहां से कहां जाते हो? लेफ्ट टू राइट। कहां से कहां जाते हो? लेफ्ट टू राइट की तरफ। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था एटॉमिक रेडियस क्या होता है। एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होता है, मतलब जो सबसे पहला जो एलिमेंट होगा यानी अल्कली एलिमेंट, उसका साइज सबसे बड़ा होगा, फिर नीचे जाने पर और साइज क्या होता है? छोटा होता जाता है, यानी लेफ्ट राइट जाने पर साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखो लेफ्ट राइट जाने पर नंबर ऑफ शेल क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसमें भी दो शेल है, इसमें भी कितने शेल है? दो शेल है। नंबर ऑफ शेल क्योंकि विद इन अ पीरियड जितने भी एलिमेंट है सबके पास नंबर ऑफ शेल क्या होगा? सेम होगा। तो सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है सबके पास दो दो शेल हो गए। लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हो रहा है? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। इसका तीन है, इसका चार है, इसका पांच, इसका छह, इसका सात, समझ लो। एटॉमिक नंबर बढ़ना मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल तो उतना ही है ना, आप दूर जा रहे हो क्या? नहीं। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से वो आउटर इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींचता है, जिसकी वजह से साइज छोटा होते जाता। तो आप देखो साइज छोटा होने की वजह से ये आउटर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गया, मतलब न्यूक्लियस का इस आउटर इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत ज्यादा है, मतलब इधर जो जेड इफेक्टिव क्या है? ज्यादा है, जबकि इसमें न्यूक्लियस दूर है, दूर होने की वजह से जेड इफेक्टिव क्या है? कम है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बढ़ते जाता है, मतलब लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। सो अगर विद इन अ पीरियड आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है, दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर हो गया ये बात? लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, मतलब सबसे लेफ्ट में कौन आता है? पीरियड में सबसे लेफ्ट में कौन आता है? अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स होते हैं यानी ग्रुप वन के। और सबसे एंड में कौन होता है? सबसे राइट में कौन होता है? नोबेल गैस। कौन होता है? नोबेल गैस। तो अल्कली मेटल का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप सॉरी पीरियड में सबसे कम होता है, जबकि नोबेल गैस का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होता है। क्यों ऐसा बच्चे लोग? क्योंकि जब आप नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, जैसे कि मैंने ले लिया नियॉन, तो 1s2, 2s2, 2p6, सेकेंड शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट इज कंप्लीट, तो वो तो खुश है ना। तो मुझे बताओ क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा? नहीं। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा, बात समझ गया? इसलिए नोबल गैस का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? बढ़ जाता है। तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम में ये तीनों में आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, तो आप बोलोगे डाउन द ग्रुप जाने पे रुबिडियम का साइज सबसे बड़ा होगा। साइज बड़ा मतलब न्यूक्लियर चार्ज का, मतलब इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम होगा। तो सबसे ज्यादा होगा सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम। ये क्लियर हो गया? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? कम होता है। मैंने एक क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें पूछ लिया, जैसे कि मैंने बोल दिया आपको कार्बन बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, इन तीनों में आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा? देखो लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। साइज क्या हो रहा है? छोटा हो रहा है। साइज छोटा होने की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन यानी जेड इफेक्टिव बढ़ जा रहा है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसका होगा? नाइट्रोजन का, फिर किसका होगा? कार्बन, फिर किसका होगा? बोरॉन का। क्लियर हो गया आपको? तो इस तरीके से आप अगर आपको ऑप्शन दिया जाए तो आप ऑप्शन के बेसिस पे एक पीरियड और ग्रुप में पता कर सकते हो कि किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। जो ग्रुप में ऊपर होगा उसका ज्यादा होगा, जो पीरियड में राइट में होगा उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है, जबकि लेफ्ट राइट जाने पर पीरियड में लेफ्ट राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? बढ़ता है। बट इधर मैं आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूं, एक क्वेश्चन क्या है, अगर मेरे पास, ये क्वेश्चन आप लोग देख लेना बहुत इजी है,
ये सब नोट कर लिए होगे, थोड़ा नहीं भी किए होगे तो पॉज करके नोट कर लो यार। पहले मैंने क्वेश्चन पूछा कि बेरिलियम और बोरॉन में, बेरिलियम और बोरॉन में किसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है। सो आप बोलोगे सर बेरिलियम लेफ्ट में होता है और बोरॉन राइट में होता है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है, मतलब बोरॉन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा किससे, बेरिलियम से। ये सही बात है कि नहीं, क्योंकि लेफ्ट राइट जाने पर साइज छोटा हो रहा है, साइज छोटा होगा तो बोरॉन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगा, ज्यादा होगा बेरिलियम से। बट ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम का ज्यादा होगा किससे, बोरॉन से। अब ऐसा क्यों? तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ साइज पे नहीं, वो उसके कॉन्फिगरेशन पे भी डिपेंड करता है, वो किसी भी एलिमेंट के कॉन्फिगरेशन पे भी डिपेंड करता है। तो इधर इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2, जबकि इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p1। मुझे बताओ ध्यान से देखो, इसमें क्या है 2s जो कि फुलफिल्ड है, कैसा है फुलफिल्ड, और फुलफिल्ड वाला कैसा होता है, स्टेबल होता है। तो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल। मुझे बताओ s में, s ऑर्बिटल में कितने, s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, दो, और दो के दो है, मतलब दिस इज फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जबकि इसमें 2p1 है, ये इनकम्प्लीट है। देखो कभी भी हम लोग ने सबसे पहले लेक्चर में देखा था, जब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाया था इसी चैप्टर के, तो मैंने बताया था जो हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड होते हैं ना, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू इनकम्प्लीट। तो ये कैसा है, फुल फील्ड है। इसका सबशेल कैसा है, फुल फील्ड, क्योंकि एस में दो इलेक्ट्रॉन आता है पूरा का पूरा है। जबकि पी में, पी का फुल फील्ड कब होगा, जब 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन। अगर 6 होता तो ये फुल फील्ड होता, या तो 3 होता तो ये हाफ फील्ड होता, ना कि ये 3 है ना ही ये 6 है, मतलब ये इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट वाला स्टेबल नहीं होता, इसकी स्टेबिलिटी नहीं होती है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन, देखो ये स्टेबल है, खुश है भाई, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे क्या, नहीं। इसका कैसा है, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो फुलफिल्ड एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसमें से आप इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकाल पाते हो एज कंपेयर टू बोरॉन, इसलिए बेरिलियम का आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर हो गया आपको ये बात? तो अगर मैं पीरियड 2 की बात करूं, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लिया नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाइट्रोजन ऑक्सीजन में किसका ज्यादा होगा, बोलोगे सर लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ता है, मतलब इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए। बट ये भी गलत है, नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन से। अब कैसा कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 2s2 2p3, 1s2 को जाने दो ना, इसका क्या है 2s2 2p2 2s2 2p4। मुझे बात बताओ किसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, इसका 2p3 हाफ फील्ड, कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड। जब भी हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो वो स्टेबल होते हैं, उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी रहता निकलता नहीं। क्यों स्टेबल होते हैं, क्योंकि वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये सब चीज मैंने डिस्कस किया था किधर, फर्स्ट लेक्चर में। क्लियर हो रहा है? तो अगर आपको वो सब चीज नहीं पता है, तो प्लीज एक बार वो भी वीडियो देख लो। तो ये हाफ फील्ड है, और जबकि ये कैसा है, इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट वाला स्टेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस डब्बे को 2 मिला, बाकी को 1-1 मिला, तो ये लोग खुश नहीं है। जबकि इसमें सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सबको 1-1 मिला, तो ये लोग खुश है, मतलब स्टेबल है। बात समझ गया? तो हाफ फील्ड वाला कैसा होता है, स्टेबल होता है, तो वो जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन देगा क्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने के बाद ध्यान से सुनो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2p3 था 2p2 हो जाएगा, क्या उसकी स्टेबिलिटी कम होगी कि नहीं, कम हो जाएगी। बात समझ रहे, क्योंकि हाफ फील्ड से इनकम्प्लीट बन रहा है। जबकि ऑक्सीजन को देखोगे, ऑक्सीजन तो वो तो बोलेगा भाई इलेक्ट्रॉन लेके जा, तो मैं क्या बन जाऊंगा, 2p3, मतलब मेरा हाफ फील्ड हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा। मतलब ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो इसलिए नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है किससे, ऑक्सीजन से। तो अगर मैं पीरियड 2 की ऑर्डर लिखूं, तो सबसे ज्यादा देखो लिथियम सबसे कम होगा, क्योंकि सबसे लेफ्ट में, फिर लिथियम के बाद कौन होगा, बेरिलियम, बेरिलियम का बढ़ जाएगा किससे, बोरॉन से। फिर बोरॉन के बाद कौन होगा, कार्बन, तो बोरॉन और कार्बन में किसका ज्यादा होगा, कार्बन का होगा, बिकॉज भाई कार्बन राइट में आ रहा है, समझ लो कॉन्फ़िगरेशन का ये लोग में कोई मतलब नहीं। इसका कैसा है, फुलफिल्ड है, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, बात समझ रहे हो, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है एज कंपेयर टू बोरॉन। अगर कंपेरिजन करें कार्बन से किसका ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का, लेकिन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में देखोगे तो नाइट्रोजन जीत जाएगा भाई,
क्योंकि इसका कैसा है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन यानी 2p3 था, याद करो इसका क्या था 2s2 था। फिर ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन जीतेगा, फ्लोरीन के बाद कौन आता है, नियॉन, नियॉन जीतेगा। क्लियर हो गया, क्योंकि लेफ्ट राइट जाने में साइज भी तो छोटा, और साइज के साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर कर सकते हैं फॉर एनी एलिमेंट। क्लियर हो गया, डाउन द ग्रुप एक बार देख लेने का, एक बार आप देख लेने का कि लेफ्ट राइट में कैसा वेरिएशन है, कॉन्फ़िगरेशन पे ध्यान दिया करो, और उसके साथ साथ जितना भी चीज आप लोगों को पढ़ा है उस चीज को प्रॉपरली याद रखना। तो अभी हमारा क्या हो गया, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कंप्लीट हो गया है, जिसमें हम लोगों ने हर एक चीज डिस्कशन कर लिया। अब बात करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है आपको, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो पहले आपको वीडियो पॉज करना है, जितना भी मैंने लिखवाया होगा आप लोग ने इसको नोट किया होगा, तो इस चीज के बेसिस पे ही आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो। ट्राई करने के बाद वीडियो को आप वापस या रिज्यूम करो, फिर आप देखो कि आपका आंसर सही है कि गलत है, और अगर सही है तो अच्छी बात है, गलत है तो आप सीख लो कि कैसे सॉल्व करना है। इज दिस क्लियर विथ यू ऑल, तो इसको प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस, टिल लास्ट स्लाइड वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसमें हम लोग ने सीखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स है, फिर उसके ट्रेंड्स देखे। अब हर एक चीज डिस्कस होने के बाद अभी हमको क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, देखो ये चार स्टेटमेंट है, ये चारों स्टेटमेंट से जो गलत वाला स्टेटमेंट है वो कौन सा है। दिस इज फ्रॉम आईआईटी जेई 1997 का क्वेश्चन है, देखो क्या होता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। सो व्हाट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होता है, देखो एल्यूमिनियम क्या होता है 13, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3s2 3p1, और मैग्नीशियम क्या होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3s2। मुझे बात बताओ किसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा। आप बोलोगे सर लेफ्ट टू राइट जाने पे तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पे, तो मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ जाओगे तो अपना पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी आयोनाइजेशन पोटेंशियल वो क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, लेकिन तो क्या दे दिया लेस, बट ये स्टेटमेंट सही है। क्यों, क्योंकि इसमें ध्यान से देखो, अभी हम लोग ने पढ़ा था बेरिलियम और बोरॉन वाला एग्जांपल, तो इसमें याद है आप लोग को फुल फील्ड या हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, क्योंकि ये 3s2 कैसा है, फुल फील्ड है ना, s का फुल फील्ड है, जबकि 3p1 इज इनकम्प्लीट, तो 3p1 में से इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है एस कंपेयर टू 3s2, दैट्स व्हाई इधर हमको कम एनर्जी देना पड़ेगा, यानी कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी देना होगा। इसलिए याद रखना एल्यूमिनियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है मैग्नीशियम के, क्योंकि मैग्नीशियम में 3s2 से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है जो कि डिफिकल्ट हो जाता है। फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है, देखो सेकेंड ऑप्शन इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। चलो समझते हैं, देखो सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, फर्स्ट मतलब क्या, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल कब लगेगा, जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो समझ जाओ आपने मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो मैग्नीशियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Mg+1 बनेगा, और सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो Na+1 बनेगा। कॉन्फ़िगरेशन याद करो, इसका क्या हो जाएगा 3s1, और इसका क्या हो जाएगा 2s2 2p6, क्या हो जाएगा 2s2 2p6। आर यू गेटिंग दिस, तो मुझे बात बताओ किस में से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, 2p6 में से इजीली निकाल पाओगे कि 3s1 में से। आप खुद सोचो, ये थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन है, मतलब न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब अट्रैक्शन कम है, तो इसको आप इजीली निकाल सकते हो, इजीली निकाल लोगे, मतलब इधर जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन एनर्जी वो लेस है। जबकि Na+1 में आप ध्यान से देखो, इसका Na+1 की बात करो, Na की बात नहीं करो, Na+1, जब सोडियम होता है तो आपने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद प्लस वन आया, फिर आपको और एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसको आप क्या बोलते हो, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखो सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसका ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि दिस इज स्टेबल कॉन्फिग्रेशन, NH2 NP6 नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। बात समझो, सोडियम अपना प्लस वन के अलावा प्लस टू नहीं बनाता, क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन है, इसलिए इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज्यादा हो जाएगा।
क्लियर हो गया। लेकिन इधर क्या लिखा है, सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आईपी का मतलब आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम। सो किसका ज्यादा है, Na प्लस का, लेकिन इधर क्या दिया है, मैग्नीशियम का। सो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ये क्या है, इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज योर आंसर। अब देखते हैं और भी कोई इनकरेक्ट है क्या। द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम इज लेस देन द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम, यस, क्योंकि फर्स्ट की मैं बात करो, सेकंड नहीं, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना। याद करो अल्कली मेटल जो कि पीरियड में सबसे लेफ्ट में होते हैं, जबकि अल्कलाइन मेटल उसके एक बगल में होता है। सो लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है। मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, सेकंड की नहीं, सेकंड में मैग्नीशियम का ज्यादा होगा और सोडियम का कम होगा। फर्स्ट मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी देना पड़ता है उसको आप क्या बोलते हो, फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ये अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था। तो बात समझो, तो सोडियम से मैग्नीशियम लेफ्ट राइट जा रहे हो, तो सोडियम का आईपी कम होगा जबकि मैग्नीशियम का आईपी ज्यादा होगा। तो फर्स्ट आईपी ऑफ सोडियम इज लेस, यस, एंड आईपी ऑफ मैग्नीशियम, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, हमको क्या चाहिए, इनकरेक्ट। फिर डी क्या बोलता है, थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्यूमिनियम। इस चीज को समझते, डी ऑप्शन को समझते, देखो थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल, थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब क्या, मैग्नीशियम में से तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, मतलब आपने दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है, दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Mg प्लस टू होगा, और एल्यूमिनियम में से भी दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो Al प्लस टू होगा। पोल क्या रहा था, थर्ड आईपी ऑफ मैग्नीशियम, थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, तीसरा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी दोगे उसको आप क्या बोलोगे, थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। क्लियर हो गया। तो मैग्नीशियम का ज्यादा है किससे, एल्यूमिनियम से। देखो Mg प्लस टू कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2s2 2p6, Al प्लस टू क्या होगा, 2s2 2s2 2p6 3s1। तो मुझे बात बताओ किस में से इजीली निकाल दोगे, किस में से इजीली निकाल दोगे, इसमें से, क्योंकि 3s1 है जबकि कैसा स्टेबल है, स्टेबल वाले में से, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो ये सही बात है, द थर्ड आईपी ऑफ मैग्नीशियम, इसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल मतलब इसको बहुत ज्यादा एनर्जी देना होगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एज कंपेयर टू Al प्लस टू। होप दिस इज क्लियर विथ यू ऑल। क्लियर हो गया। तो आपका एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो कि है ऑप्शन नंबर बी, यानी बॉम्बे। ये बात क्लियर हो गया होगा आपको। तो मैं सॉल्यूशन बी वाले का लिख दे रहा हूं, सेकंड आईपी ऑफ मैग्नीशियम। ना सेकंड आईपी मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं। मुझे बात बताओ मैग्नीशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2s2 2p6 3s1, जबकि इसका क्या होगा, 2s2 2p6। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका आईपी क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि इसका आईपी क्या होगा, आयोनेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, जबकि आपका सेकंड स्टेटमेंट गलत दिया है। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये इनकरेक्ट है, इसलिए ऑप्शन बी इज योर आंसर। Which of the following has highest ionization enthalpy? IE का मतलब ionization enthalpy। आप खुद बताओ, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है। अब ध्यान से देखोगे तो ये सारे एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, इन सभी में कितने शेल आते हैं, तीन शेल आते हैं। कितने शेल आते हैं, तीन शेल। आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का डेफिनेशन पता है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हो। तो मुझे बताओ ये सभी में तीन तीन शेल है क्योंकि थर्ड पीरियड के, जबकि नाइट्रोजन में सिर्फ कितना सेल है, दो सेल है। कितना सेल है, दो। तो इसमें इसका साइज छोटा है, साइज छोटा है मतलब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है स्मॉल साइज, इसका साइज कैसा है, स्मॉल है। आपको मालूम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो इसका साइज सबसे कम है क्योंकि सेकंड पीरियड का, बाकी सारे थर्ड पीरियड के, और साथ साथ इसका कॉन्फ़िगरेशन भी स्टेबल है। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p3 1s2 2s2 2p3, समझ रहे हो ना। तो 2p3 ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है जो कि स्टेबल है, इसलिए नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा बिकॉज इसका साइज सबसे कम है इन चारों में। Among the following, which has the highest ionization potential? ये चार है, इसमें से highest किसका होगा? देखो, lithium, beryllium, boron, carbon. आप सभी को पता है, left to right जाते हो तो क्या होता है? Ionization enthalpy बढ़ता है। Ionization enthalpy बढ़ता है। तो left to right ही जा रहे ना, lithium, beryllium, boron, carbon. तो सबसे ज्यादा किसका होगा? Carbon का होगा।
लेकिन बेरिलियम और बोरॉन में किसका होता है बच्चे लोग, बेरिलियम का होता है, क्योंकि बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन 2s2 जो कि एक कंप्लीट फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर मैं इधर ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखूं तो सबसे ज्यादा होगा कार्बन का, कार्बन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगा क्योंकि ये पीरियड में सबसे राइट में, और लेफ्ट राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ता है। बेरिलियम और बोरॉन में किसका ज्यादा होगा, बेरिलियम का, फिर होगा बोरॉन का, और सबसे कम होगा लिथियम का, क्योंकि जो लेफ्ट में होते हैं उनका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑर्डर। द हाइएस्ट इलेक्ट्रो आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एग्जिबिटेड बाय, हाइएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज एग्जिबिटेड बाय, देखो हेलोजन, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल मतलब सोडियम वाले फैमिली, नोबल गैस और ट्रांजिशन मेटल। मुझे बताओ सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, मतलब किसमें इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको बहुत सारा एनर्जी देना होगा, किसमें बच्चे लोग, नोबल गैस में, क्योंकि नोबल गैस जल्दी रिएक्टिव है ही नहीं, इनका कॉन्फ़िगरेशन एकदम स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो क्या आप उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाल पाओगे, नहीं ना, मतलब आपको ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी या तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल या तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, सो ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी वैल्यूज ऑफ सिलिकॉन फॉस्फोरस एंड क्लोरीन। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब क्या, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना एनर्जी आप दे रहे हो उसको आप क्या बोलोगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सिलिकॉन का कितना है 780, फॉस्फोरस का कितना है, मैं तो लिख दे रहा हूं, सिलिकॉन का कितना है 780 किलो जूल पर मोल, फिर फॉस्फोरस का कितना है 1060 किलो जूल पर मोल, फिर किसका है अपना 1255, ये किसका है बच्चों लोग, क्लोरीन का, क्लोरीन का कितना है 1255 किलो जूल पर मोल। पूछा क्या है क्वेश्चन में, प्रेडिक्ट वेदर द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ सल्फर विल बी क्लोजर टू 1000 और 1200, यानी जो सल्फर का क्या पूछा है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी का सिंबल क्या था बच्चे लोग, डेल्टा आई और एच, वो भी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, क्या फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखो आपको सभी का आपको आयोनाइजेशन एनर्जी दिया है, वो भी फर्स्ट, फर्स्ट मतलब क्या, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना आपका एनर्जी देना होगा उसको आप क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सबका दिया, सिलिकॉन का दिया, फॉस्फोरस का दिया, क्लोरीन का दिया, आपको पूछा क्या सल्फर का, तो मुझे बात बताओ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3s2 3p4। आप बात बताओ ये कौन है, ये कौन है बच्चे लोग, ये फास्फोरस है, फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फास्फोरस 15 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3s2 3p3 3s2 3p3, बात समझ गए। तो मुझे बात बताओ फास्फोरस और सल्फर में किसका ज्यादा होगा, फास्फोरस और सल्फर में किसका ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, फास्फोरस का, किसका ज्यादा होगा बच्चे लोग, फास्फोरस का, क्योंकि फास्फोरस का देखो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा या फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा तो उधर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाता है, यानी फास्फोरस का क्या होगा ज्यादा है, फास्फोरस का क्या है ज्यादा है किससे, सल्फर से, मतलब सल्फर का वैल्यू, जो सल्फर का आईपी है वो 1060 से कम होगा, 1060 से कम होगा मतलब 1000 के करीब होगा ना, आप बात समझे क्या। देखो इधर आपके पास कौन कौन है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, क्लोरीन है और सल्फर है, सल्फर का पूछ रहा है, क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3s2 3p5, इतना पता है सबको, इसका कितना है बच्चे लोग, सल्फर फास्फोरस का है 1060 और इसका कितना है 1255। पूछा क्या ये जो सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन है वो फास्फोरस के पास होगा कि क्लोरीन के पास होगा, यानी 1000 के पास होगा कि 1200 के पास होगा, आप मुझे बताओ, आप मुझे दोनों सबका मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिखा, फास्फोरस का क्या था 3s2 3p3 है जबकि सल्फर का 3s2 3p4 है, फास्फोरस का कॉन्फ़िगरेशन इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन और जब भी हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाता है, मतलब फास्फोरस और सल्फर में कंपेयर करूं तो फास्फोरस का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू सल्फर, तो सल्फर का 1060 से क्या होगा, कम होगा ना, फास्फोरस का ज्यादा है मतलब 1060 ज्यादा है, तो सल्फर का 1060 से कम मतलब 1000 के करीब होगा ना, ना कि 1200 के करीब, सो इसमें आंसर आएगा 1000, किसके करीब होगा 1000 के करीब होगा, किसके करीब होगा 1000 के करीब, तो आप लिख लेना फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर विल बी क्लोजर टू 1000 किलो जूल पर मोल, नॉट 1200 किलो जूल पर मोल। इज इट देयर एनी डाउट, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू आयोनाइजेशन एनर्जी, सो इसको प्रॉपरली नोट कर लो।
guys, in this video we have discussed about the ionization enthalpy. So what is ionization enthalpy, factors affecting ionization enthalpy, फिर कुछ हम लोगों ने उसमें ट्रेंड्स देखे कि पीरियड में कैसे चेंज होता है, ग्रुप में कैसे चेंज होता है, then we solved the question related to ionization enthalpy. Hope this video is clear with you all. So अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. Till then, bye, take care and thank you so much for watching this video.